आप देख रहे हैं ब्रज भूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रज भूमि न्यूज। शनिवार सुबह डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हेलीकॉप्टर से गोवर्धन पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से 20 मिनट की मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम हेलीपैड से कार द्वारा यमुना कुंज सत्संग भवन पहुंचे। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 1 अप्रैल से हमारा नया पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से हमारा नया पाठ्यक्रम शुरू होगा NCERT के पैटर्न पे। तो विद्यालयों में पठन पाठन कैसे शुरू हो, 7 नए दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल भी बनने हैं, शुरू होने हैं, उनकी व्यवस्थाएं कैसे हो, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया है। आज उसकी समीक्षा करी है जिलाधिकारी जी के साथ में। और हमारा मंतव्य है कि जो हमारी डिग्री कॉलेज की परीक्षाएँ हैं वो भी अच्छी तरीके से हो, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय को, आगरा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी और यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के SSP को भी हमने कहा है कि नकल कराने वालों को चिन्हित करें। हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हमारा अध्यापक बहुत अच्छा है, लेकिन जो नकल कराने वाले तत्व हैं उनसे वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हमारा जो माध्यमिक शिक्षा का अभी तक का कोर्स चल रहा था, एक ही सब्जेक्ट के कई कई राइटर थे। लखनऊ में कोई और पढ़ाता था विज्ञान का किताब का राइटर, और मथुरा में कोई और पढ़ता था। बच्चे हमारे 65 और 60 हाईएस्ट बड़े मुश्किल से पाते थे, NCERT का 95 नंबर 98 नंबर तक पाते थे। तो वो बच्चे प्रवेश नहीं पाते थे BA BCOM BSc में, और सरकारी नौकरियों में भी उनको प्राथमिकता नहीं मिलती थी। इसलिए ये उत्तर प्रदेश सरकार का इतिहास का, माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय, इसे शैक्षिक क्रांति के नाम से लोग कह रहे हैं। NCERT के पैटर्न पर और इसके साथ ही 7 नए दीनदयाल उपाध्याय मॉडर्न विद्यालय भी सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसकी हम लोगों ने जिलाधिकारी के साथ में समीक्षा की है। डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं हैं वो भी सही ढंग से संपन्न हो, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय को दिशा निर्देश दे दिए हैं। आगरा विश्वविद्यालय और मथुरा के DM और SSP को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी नकल विद्यालय करा रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। अध्यापकों को पढ़ाने का आग्रह है कि उनको पढ़ाना होगा, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना होगा। ऐसे स्कूल जो साल भर पढ़ाई नहीं करते अब तो ना तो परीक्षा केंद्र बनेंगे और ना ही ऐसे स्कूलों की मान्यता के बारे में भी हम सोचेंगे जहाँ पढ़ाई नहीं होती, केवल परीक्षा होती है। ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करने का भी हमने आदेश दिया है कि वो अलीगढ़ है, मथुरा है, एटा है, कासगंज है, आगरा है, जहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें पाई गई कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती साल भर, केवल वहाँ पर इनरोल हुए बच्चे बाहर से देने आते हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि अभी जो 11 लाख के आसपास विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे हाईस्कूल और इंटर की, उसमें 75% विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के बाहर के थे, केवल साल में एक बार परीक्षा देने आते थे और परीक्षा देने के बाद वो यहाँ से चले जाते थे। उनकी जगह परीक्षा वो नहीं देते थे, उनकी परीक्षा की जगह सॉल्वर देता था, लेखक देता था। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम भी हमारी कर रही, परीक्षा हमारी शिक्षा में शुचिता हो, पारदर्शिता हो, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। परीक्षा देने के बाद वो यहाँ से चले जाते थे, उनकी जगह परीक्षा वो नहीं देते थे, उनकी परीक्षा की जगह सॉल्वर देता था, लेखक देता था। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम भी हमारी कर रही, परीक्षा हमारी शिक्षा में शुचिता हो, पारदर्शिता हो, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। साथ ही हम ऐसे स्कूल कॉलेजों को चिन्हित कर रहे हैं वो कितना भी पावरफुल मैनेजमेंट का व्यक्ति हो, नकल कराते हुए बर्दाश्त नहीं होगा। अब एक एक चीज पे हम लोग शुरुआत किया है और अगर उसमें भी होगा, आज हम लोगों ने चिन्हित किए हैं कुछ जगहों का, हमारे DM और SSP सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी प्रकार का सूट सिफारिश बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे जितना पावरफुल मैनेजमेंट का व्यक्ति हो, अगर नकल करते पाया गया तो उसके खिलाफ जिला अधिकारी और हमारे SSP कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसके निर्देश। गोवर्धन के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा फरा स्थित नेशनल हाईवे 2 पर एक निजी कॉलेज में भाग लेने के लिए रवाना हुए और वहां से लखनऊ के लिए रवाना हुए। मुक्ति कहे गोपाल सों,
मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रजभूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।